हरे कृष्णा, बुक टू कृष्णा में आप सबका स्वागत है। इस बार हम लोग बुक थ्री, जिसका नाम है एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, कवर करेंगे। ये जो किताब है, लिखी गई है बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि फाउंडर आचार्य इस्कॉन के हैं। ये किताब सबसे पहले यूएसए में 1973 में कल्वर सिटी कैलिफोर्निया में पब्लिश हुई थी। उस समय प्रभुपाद जी ने अर्नोल्ड जे टोनबी लंदन में उनको कहा था कि भाई 10,000 साल तक ये जो मूवमेंट है इस्कॉन का, ये आगे बढ़ेगा। इस किताब में 6 चैप्टर्स हैं। हम लोग इस पार्ट वन में 3 चैप्टर कवर करेंगे। आप लोगों से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि हम लोग इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ सारांश शेयर कर रहे हैं, ना कि पूरी किताब। तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने के लिए सारांश का मदद लीजिए, लेकिन पूरी किताब जरूर पढ़िएगा। तो चूजिंग ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ पहला चैप्टर है, जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो, हमें 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म मिलता है। हमें उसको ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा काम करके, भौतिक जग के कामों में लग के वेस्ट नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें भगवान की भक्ति की तरफ, भगवान के ध्यान की तरफ अपना मन लगाना है। हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ना है, तभी हमें एक अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड खुशी मिल सकती है। भौतिक जग की चीज़ों के पीछे भागते भागते हमें नहीं मिल सकती हैप्पीनेस। तो ये एक सम एंड सब्सटेंस है कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट का। उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको शुद्ध करना पड़ेगा, उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा, ताकि हम लोग जानवरों से ऊपर हो सकें, आगे हो सकें, ना कि सेम। उसके लिए वो 4 चीज़ें बताते हैं जिनको वो उनने बेसिक रेगुलेशंस कहा है। पहला ये है कि अवैध यौन संबंध नहीं रखना, यानी कि नो इलेक्ट सेक्सुअल कनेक्शन। दूसरा उनने कहा है कि मांसाहारी नहीं होना चाहिए, मीट नहीं खाना चाहिए। नंबर 3 उनने कहा कि किसी तरीके से भी हमें इंटॉक्सिकेशन, यानी कि नशा नहीं करना चाहिए। और नंबर 4 उनने कहा कि किसी तरीके भी जुआ, यानी कि गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए। इन 4ों को करते हुए और भगवान की नाम लेते हुए, माला जप करते हुए, हम धीरे धीरे करके हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो प्योर होनी शुरू हो जाएगी और हम लोग स्पिरिचुअल होने शुरू हो जाएंगे। नंबर 2 में प्रभुपाद जी हार्ड स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस के बारे में बताते हैं कि हम लोग जो हैं, आत्मा जो है वो एक निमित्त मात्र में है परमात्मा के मुकाबले में। और जो आत्मा जो है उसमें भी वही गुण हैं जो कि परमात्मा के हैं, लेकिन छोटे रूप में। जैसे कि एक पूरा समुद्र है, उसको एक बूंद पानी के साथ तो कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन गुण तो वही है ना। तो उस जिस तरीके से परमात्मा में जो एक अमर होने का जो गुण है, उसी तरीके से जीवात्मा में भी वही गुण है। उसी तरीके से जिस तरीके से भगवान में, आत्मा में एक बहुत ही असीम खुशी है, एक असीम खुशी है, उसी खुशी की चाह हमारे अंदर भी है। पर होता क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं, होता यह है कि जिस तरीके से एक मछली जो कि पानी में खुश होती है, उसको जमीन में रख दिया जाता है और कहा जाता है देखो ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वो मछली तो वहां पर तड़पने लगेगी ना, वो खुश तो नहीं रह पाएगी। उसी प्रकार से हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो आत्मा का है, ना कि भौतिक जगत का। और हमें भौतिक जगत में, जिस तरीके से मछली को जमीन पर रख दिया गया है, उसी तरीके से हमें भौतिक जगत में रख दिया गया है, तो हमें खुशी कैसे मिल पाएगी। तो हमें समझना चाहिए कि जो हमारी जो आत्मा की जो खुराक है वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि भगवान की तरफ अग्रतर होती हुई खुशी, ना कि भौतिक। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनने भी यही कहा था कि भगवान की सेवा करने से ही हमें असली किस्म की खुशी मिल सकती है, ना कि भौतिक जग में जुड़कर। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम लोग भौतिक जग की चीज़ों के पीछे भागते रहें तो आखिरकार हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, बस फ्रस्ट्रेशन ही मिलने वाला है। उसके बाद एक एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी कि
जैसे कि एक सांप होता है, उसकी उसका जो शरीर होता है बड़ा ही ठंडा होता है, तो अगर उसको किसी ने उसको मतलब माला समझ के अपने गले में लगा लिया तो वो सांप ने तो डस लेना है। उसी तरीके से हमारी जो भौतिक, हमारी जो इंद्रियां होती हैं, वो भी एक किस्म से सांप के साथ कंपेयर की गई हैं, जो कि आखिरकार हमें डस लेती हैं। तो प्रभुपाद जी 8.6 16 भगवद गीता के बारे में बताते हैं कि फ्रॉम द हाइएस्ट प्लैनेट इन द मटेरियल वर्ल्ड डाउन टू द लोएस्ट ऑल आर प्लेसेस ऑफ मिजरी, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी अलग अलग प्लैनेट्स हैं उस वो सब दुखालय ही हैं। वहां पे जन्म लेना है फिर मृत्यु होना है। तो भगवान कहते हैं उसमें कि जो मेरी अबोर्ड में आता है, जब गोलोक वृंदावन में गोलोक भगवान के घर तक पहुंचता है, उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। इसी चैप्टर में आगे बढ़ के प्रभुपाद जी कहते हैं, एक भगवद गीता का कोट बताते हैं 16.13। ये हम जिस लोगों में से ज्यादातर लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है, तो वो बताते हैं कि भगवद गीता में भगवान की हम सब लोगों की राक्षसी प्रवृत्ति होती है। कब होती है? तब जबकि हम पैसा जमा करते रहते हैं, पैसा जमा करते रहते हैं, वो राक्षसी प्रवृत्ति माना जाता है। और अलग अलग प्लान बनाते रहते हैं कि हाँ भी कल मेरे पास और पैसा होगा, कल मेरे पास और पैसा होगा। तो भगवान ने इसको राक्षसी प्रवृत्ति कहा गया है। तो इससे भगवान ने कहा है कि आपको खुशी नहीं मिलने वाली है। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, वी आर ऑल एटर्नल सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो हम लोग जो हैं, हम लोग भगवान के दास हैं, और हम लोग अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हमें तो खुशी नहीं मिलने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी कहते हैं। तो जो कि हमारा डिस्कनेक्ट रहता है, कि हम अपनी सेवा में लगे रहते हैं। सुप्रीम लॉर्ड इज अ होल एंड वी आर द पार्ट्स ऑफ इट। ईश्वर परमात्मा प्रमुख हैं, हम उनके छोटे छोटे हिस्से हैं। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए ही कार्य करते रहते हैं, ना कि ईश्वर के इंटरेस्ट के लिए। तो इसलिए हमें खुशी कहाँ से मिलेगी? उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक किस्म से तो गैर कानूनी है कि आप अपने इंटरेस्ट के लिए काम करें, ना कि ईश्वर के इंटरेस्ट के लिए। उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं, इवन द कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन फॉर वंस ओन सेल्फ इंटरेस्ट इज अनलॉफुल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है। वो कह रहे हैं कि अगर आप आध्यात्मिक तरक्की करते हैं, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन करते हैं, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं कि हाँ भाई मेरे को मुक्ति मिल जाएगी, है तो वो भी एक किस्म से गलत है। वो कहते हैं हमें हमेशा आध्यात्मिक एरिया में भगवान की सेवा में ही लगे रहना है, तभी एक सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रहेगा। उसके बाद भगवद गीता 16.12 को कोट करते हैं प्रभुपाद जी, और कहते हैं, बीइंग बाउंड बाय हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिजायर्स बाय लस्ट एंड एंगर दे सिक्योर मनी बाय लीगल मीन्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। यानी कि दुनिया की चीजों में लगे रहने से क्या होता है, हमें लालच बढ़ती रहती है, गुस्सा बढ़ता रहता है, और गलत गलत काम करते हैं जिससे कि हमारे पास पैसा जमा हो सके। फिर प्रभुपाल जी बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि देखो पैसा तो इस दुनिया में बहुत बहुत ज्यादा जमा हो गया है, लेकिन शांति की कमी है। अब शांति की कमी हो रहेगी तो खुशी कहाँ से होगी? उसके बाद प्रभुपाल जी बताते हैं कि इफ मनी इज नॉट डिवोटेड, यानी कि अगर लक्ष्मी का प्रयोग नारायण की सेवा में ना किया जाए तो उससे क्या होता है, उससे बीमारियां ही बढ़ती हैं और उससे कानूनी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारा जो लॉ ऑफ नेचर है वो अलाउ नहीं करता कि हम जरूरत से ज्यादा पैसा अपने पास रखें। उसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि आप खाने में जरूरत से ज्यादा अगर नमक डालते हैं तो उससे आपको मजा नहीं आता, उसी तरीके से आप जरूरत से ज्यादा पैसा जमा करते हैं तो उससे आपको फायदा नहीं होगा, उससे नुकसान ही होगा। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि द मिजरीज ऑफ लाइफ आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, यानी कि जो हमारे दुख हैं वो तीन हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तो है जो कि हमारी बुद्धि की वजह से होता है, तो हम खुद उसके लिए जिम्मेवार हैं। नंबर टू वो हमारे शरीर की वजह से होता है, और नंबर तीन दूसरों की वजह से होता है।
इन तीनों को हम अलग अलग देखें तो हम अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं भगवान की तरफ सेवा करके। फिर वो भगवत गीता 10.10 के बारे में प्रभुपाद जी कोट करते हैं और बोलते हैं, टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड एंड वर्शिप मी विद लव, यानी कि भगवान कह रहे हैं कृष्णा के जो मेरे साथ हमेशा सेवा करते हैं और वो भी सेवा किसके साथ, प्रेम के साथ, वो डेफिनेटली मेरे पास वो आते हैं। इस किताब का जो तीसरा चैप्टर है उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं दैट भगवान को कोट करते हैं भगवत गीता से 14.4 में, वो कहते हैं कि मैं ही बीज हूँ जिससे कि सब कुछ आगे बढ़ता है और माता प्रकृति जो है वो पूरे जगत को बनाती है, तो बीज भगवान है देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी की आई डू नॉट बिलोंग टू दिस बॉडी, आई एम द स्पिरिट सोल, यानी कि जो हम लोगों का जो मूल तत्व है वो आत्मा है ना कि शरीर है। तो इसका क्या लिंक है अच्छे समाज के साथ, पीसफुल समाज के साथ? इसमें अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि जो ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म है कि वी हैव टू राइज टू द ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म बाय फॉलोइंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि ब्राह्मण कौन है पहले ये समझने वाली जरूरत है। ब्राह्मण वो है जो कि सच है, ब्राह्मण वो है जो कि शुद्ध है, ब्राह्मण वो है जो कि सहनशील है, ब्राह्मण वो है जो कि साधारण है, और ब्राह्मण वो है जिसके पास सच्चा ज्ञान है, सच्ची नॉलेज है और पूरी तरह से भगवान की तरफ सरेंडर है, भगवान पे भरोसा है और अपनी बुद्धि पे उसको कंट्रोल है। इन सब चीजों को होने वाले इंसान को ही ब्राह्मण कहा जाता है। तो वो ये सारे जो गुण हैं वो किसी में भी हो सकते हैं, अगर वो गुण शूद्रों में भी होते हैं, वैश्य में भी हो सकते हैं, क्षत्रिय में भी होते हैं, तो वो ब्राह्मण बन जाता है। जब वो ये सारे गुण आ जाते हैं तो उसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस। तो ये सारे गुण को प्राप्त करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो जब सब लोग इस गुण के लिए आगे बढ़ेंगे तो पूरी समाज में शांति रहेगी, एकदम सब कुछ खुश रहेंगे। इसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं सोसाइटी जो है वो पीसफुल नहीं हो सकती जबकि ये चारों के चारों जो डिविजन है सोसाइटी के ना हो और सारे के सारे आपस में कॉपरेट ना करें। तो इसमें सवाल ये उठता है कि पीसफुल सोसाइटी कैसे हो सकती है, इसका हमने पहले भी जवाब दिया। और इसमें रूपा जी आगे बोलते हैं कि एज सून एज वी बिकम सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वी बिकम ट्रांसेंडेंटल टू द मोड ऑफ मटेरियल नेचर, यानी कि मटेरियल नेचर से ऊपर उठ के भगवान की तरह जब हम उठते हैं बस वो ही तरीका है जिससे कि समाज में एक्चुअल में प्रॉपर शांति हो सकती है और भगवान की जो सेवा में करे रहे पूरा समाज लगा रहे तो प्रॉपर शांति हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। उसका प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं कि जिस तरीके से एक जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो छोटी क्लास से लेकर बड़े क्लास में चलता रहता है, वो प्रोग्रेस करता जाता है, उसी तरीके से शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण तक पहुंचने का ये रास्ता है। और फिर आगे वो कहते हैं कि इस तरीके से रास्ते में चलते रहें और चारों आपस में कॉपरेट करते रहें तो क्या रहेगा, शांति बनी रहेगी सोसाइटी में और समाज एकदम स्ट्रांग बनेगा। उसके बाद वो भगवद गीता में 18.65 को कोट करते हैं प्रभुपाद जी और कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ऑलवेज थिंक ऑफ मी, भगवान कहते हैं कि हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो हैं और मेरे प्रार्थना करो, इस प्रकार करने से बिना किसी शक के आप मेरे पास जरूर आओगे। ये प्रभुपाद जी कह के और आखिर में वही कहते हैं इस चैप्टर में कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसको ब्राह्मण नेचर के लोगों की सख्त जरूरत है, क्योंकि ब्राह्मण लोगों के जो होंगे सोसाइटी में तो पूरी सोसाइटी को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी और गाइडेंस मिलेगी तो पूरी सोसाइटी ठीक तरह से जो ऑब्जेक्टिव है मानव जीवन का वो अचीव कर पाएगी, नातिक जो कि आज की तारीख में भौतिक जग में लोग फंसे हुए हैं। हरे कृष्णा। तो ये हमारा पार्ट वन था एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस किताब का। पार्ट टू हम लोग जल्दी लेके आ रहे हैं आपके लिए, प्लीज़ उसके लिए वेट कीजिएगा। और हरे कृष्णा।